हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का प्रहेली का चैप्टर पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है पहेलियाँ। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, पाठ का थोड़ा सा परिचय के लिए आपको बता दूं कि पहेलियाँ मनोरंजन का एक प्राचीन विधा है, प्राचीन तरीका है। ये लगभग संसार की सभी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ हमें आनंद देने के साथ साथ हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्र बनाती है। इस पाठ में संस्कृत पहेली का यानी पहेलियों को बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहले तो चौधरी टेक चैनल में आप सबका स्वागत है, और ये पाठ जो है पहेली का कक्षा 8 का ये चैप्टर है, इसको आपने आज ध्यान से पढ़ना है, सीखना है। इसमें कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जो आपको पहली बार सुनने को मिलेंगे, उनका भी अभ्यास आप करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ। सबसे पहले इसमें आपको इधर स्लाइड में चित्र दिए गए हैं, यानी इन सब चित्रों से रिलेटेड ये पहेलियाँ हैं। जैसे पहली पहेली में कहा गया है कि कस्तूरी जायते कस्मात् को हंती करिणाम कुलम किम कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगात सिंह फलायते। यानी इसमें कह रहा है कि जायते कहते हैं उत्पन्न होता है, हंती मैंने मारता या मारती है, करिणाम करी कहते हैं हाथियों का, ठीक है, और इसमें कुलम यानी झुंड समूह। ओके, तो नेक्स्ट देखो, इसमें पहले कह रहा है कस्तूरी जायते कस्मात, यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, यहां प्रश्न कर रहा है राइटर, कह रहा है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। आगे कहता है को हंती करिणाम कुलम, और कौन हाथियों के समूह को मार देता है, किम कुर्यात कात्रो युद्धे, कौन हाथियों के समूह को मार देता है। इसके आगे कहता है कि फिर कमजोर व्यक्ति युद्ध में क्या करे। तो देखो इसके उत्तर भी आपको नीचे दिया गया है लास्ट में, मृगात सिंह प्लायते, यानी कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो नीचे उत्तर दिया है मृगात यानी हाथी, मृगात यानी हिरण से, मृग से वहां से कस्तूरी निकलती है। आगे कहता है कोहंती करिणाम कुलम, तो उत्तर है सिंह है यानी शेर, हाथियों के झुंड को कौन मार देता है, तो शेर मार देता है। किम कुर्यात कात्रो युद्धे, जो कमजोर व्यक्ति हो वो युद्ध में क्या करे, तो भाग जाए, पलायते मैंने भाग जाए, कमजोर व्यक्ति भाग जाए, क्योंकि कमजोर मारूंगा तो मरेगा। इसलिए कह रहा है कि इन तीनों में पहले आपसे क्वेश्चन किया और बाद में उत्तर दे दिया, ये पहेली नंबर 1। आगे चलते हैं, सिमंती निशु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वभी का सदा वंद्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। यानी इसमें कह रहा है कि सिमंती निशु ने नारियों में, शांता मैंने शांत स्वभाव वाली, को भूत कौन हुआ है, यानी पहले कह रहा है कि नारियों में कौन सबसे अधिक शांत स्वभाव वाली है, नारी जाति के अंदर सबसे शांत स्वभाव वाली कौन है, ऐसा इसमें पूछ रहा है। तो कौन है शांत स्वभाव वाली नारियों में, तो उत्तर है सीता। राजा को भूत गुणोत्तम है, कौन सा राजा गुणों में उत्तम हुआ है, तो कौन सा राजा गुणों में उत्तम हुआ है, राजा राम। विद्वभी का सदा वंद्या, ठीक है, विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदना करने योग्य है, विद्वानों के द्वारा कौन सदा पूजनीय है, ऐसा इसमें कह रहा है। तो कौन पूजनीय है विद्वानों के द्वारा वंदन करने योग्य है, तो वो है विद्या, विद्वान विद्या की पूजा करते हैं। आगे कहता है कि अत्र वक्तम न बुध्यते, यही कही गई बात है फिर भी मनुष्यों के द्वारा नहीं जानी जा रही है, अर्थात पता नहीं चला रहा है। अत्र वो उक्तम, अत्र वै प्लस उक्तम, यहां पर संधि हो गई है, अत्र अत्रैव उक्तम हो गया है।
तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो नै बुद्धयते, मैंने उस बात का पता नहीं चल रहा है फिर भी मनुष्यों के द्वारा, ठीक है। यानी ये चीज़ें हैं कि नारियों में शांत स्वभाव किसका है, राजाओं में सबसे उत्तम सर्वोत्तम गुणों वाले राजा कौन हुए हैं, और विद्वानों में सदा किसकी पूजा होती है। इस प्रकार की पहेली है, इसका उत्तर आपने देना है। तीसरा देखो, कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। यानी सरल अर्थ देखो इसका, कम मैंने कौन, संजघान कृष्ण, श्री कृष्ण ने किसको मारा, तो किसको मारा था श्री कृष्ण ने, कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल मैंने ठंडी धारा वाली गंगा को बहाने वाली जगह कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी है गंगा को बहाने वाली जगह, काशी, इधर आप चित्र में देख रहे हैं, काशी से गंगा बहती है, निकलती है, काशी में आकर के मिलती है, संगम है वहाँ पर। आगे कहता है कि दार पोषण रताहा, पत्नी सहित बच्चों के पालन पोषण में कौन लगे रहते हैं, तो कौन लगे रहते हैं पत्नी सहित बच्चों के पालन पोषण में कौन लगे रहते हैं, कम बलवंतम ने बाधते शीतम, खेती के काम में संलग्न किसान वो लगे रहते हैं, कम कहते हैं किस बलवंतम बलवान को, न बाधते शीतम किस बलवान को ठंड कष्ट नहीं देती, कौन बलवान है वो जिसको ठंड कष्ट नहीं देती, तो कंबल वाले व्यक्ति को, कंबल वाले व्यक्ति को ठंड जो है वो कष्ट नहीं दे सकती, इस प्रकार से ऐसा इसमें बोला गया है। नेक्स्ट देखो, वृक्षाः ग्रवासी नैचे पक्षी राजाः त्रिनेत्रधारी नैचे सूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी नैचे सिद्ध योगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघा। एक पहेली ये है, बहुत उत्तम पहेली है ये। इसमें बताया गया है वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, नैचे पक्षी राजे, और फिर भी पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है, यानी वृक्ष के ऊपर रहता है और फिर भी पक्षियों का राजा नहीं है, ठीक है, गरुड़। त्रिनेत्रधारी नैचे सोलपाणी, तीन आंखों वाला है तो भी हाथ में त्रिशूलधारी शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी नैचे सिद्धियोगी, छाल रूपी वस्त्र को धारण करने वाला है फिर भी तपस्वी साधक नहीं है। और क्या कह रहा है, जलम च विभ्रन्न घटो न मेघा, और जल को अंदर धारण करता है तो भी न घड़ा है और न ही बादल है, न घटो न मेघा, न तो बादल है और न घड़ा है, फिर भी जल को अंदर धारण करता है तो कौन है वो, नारियल। नारियल में अंदर पानी होता है, तो ऐसा ये कह रहा है कि जल को अंदर धारण करता है और घड़ा भी नहीं है और बादल भी नहीं है, तो फिर कौन है, तो वो नारियल है। नेक्स्ट देखो, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, जयंत कस्य वैश्युताः, जयंत जो थे वो किसके सुत थे, पुत्र थे, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, भगवान विष्णु का स्थान स्वर्ग जो है ना कैसा कहा गया है, तक्रम शकस्य दुर्लभम, दुर्लभ कठिनाइयों से प्राप्त होने योग्य है। देखो अब इसमें नीचे उत्तर दिया गया है तीन शब्दों में, भोजनांते से किम पेयम, भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए, तो नीचे एक शब्द दिया गया है तक्रम, यानी छाछ पीनी चाहिए भोजन के बाद में। जयंत कस्य वही श्रुतः, जयंत जो थे वो किसके पुत्र थे, इंद्र के। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में, पदों में क्या मिलता है, तो कहते हैं मोक्ष, स्वर्ग मिलता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि ये बड़ी कठिनाई से दुर्लभता से मिलता है। नेक्स्ट देखो, पहेलिका नाम उत्तरन्वेषणाय संकेतः, पहेली का जो हमने पहेलियां पढ़ी हैं उनका एक संकेत दिया गया है आपको, आपने पहेलियों को अच्छे से पढ़ना है। प्रथम पहेलिका में क्या कहते हैं कि अंतिम चरणे क्रमशः त्रियाणाम प्रश्ननाम त्रिभी पदई उत्तरं दत्तम्। पहली पहेली में क्या किया गया कि अंतिम चरण में क्रम से तीन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। दूसरी पहेली में क्या होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चरणेषु प्रथमस्य वर्णस्य अंतिम वर्णने संयोगात् उत्तरं प्राप्तत्। यानी आपने क्या करना है, प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण को
के प्रथम वर्ण को और अंतिम वर्ण को मिला करके देखना है, आपको उत्तर मिलेगा। तीसरी पहेली में क्या करना है, प्रत्येकम चरणे प्रथम द्वितीय यो प्रथम त्रयाणाम व वर्णानाम संयोगात तस्मिन चरणे प्रस्तस्य प्रश्न उत्तरम प्राप्यते। यानी तीसरी पहेली में पहले चरण के प्रथम और दूसरे, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा या वर्णानाम, उन वर्णों का संयोग करो तो आपको क्या मिलेगा, उसका उत्तर मिल जाएगा। चतुर्थ पहेलिका में क्या करना है, उत्तरम दे रखा है नारिकेल फलम, नारियल है। और पंचम पहेलिका में उत्तरम दिया है प्रथम पहेलिका अवत। तो इस प्रकार से ये आपको इसके उत्तर दिए गए हैं कि चौथी पहेली में अंतिम चरण के तीनों पद ही पहेली में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, एक प्रश्न और है आपको बताना है। गोल है पर गेंद नहीं, कांच है पर दर्पण नहीं, रोशनी देता है पर सूरज नहीं, बताओ मैं कौन हूँ। तो इस पहेली का उत्तर आपने कमेंट्स में नीचे लिख करके देना है बच्चों। नेक्स्ट देखो, हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। क्वेश्चन वन दिया गया है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी श्लोकांशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सीमंती निशु स्त्रियों का खालिस्थान राजा, खालिस्थान गुणोत्तमा। ठीक है, तो इनमें क्या करना है, आपने इन जो खाली जगह दी गई हैं क ख ग ग, इनमें खाली स्थान को आपने भर लेना है। उत्तर नीचे दिए गए हैं, इनमें से देख करके आप आसानी से भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू देखो, श्लोकांशान योजित, श्लोकांशों का मिलान कीजिए। किम कुर्यात कात्रो युद्धे, तो इसको साथ में आपने इधर मिलाना है इसको, यानी किम कुर्यात कात्रो युद्धे, तो मिला देंगे मृगात सिंह पलायते। विद्वभी का सदा वंद्या, विद्वभी विद्वानों के द्वारा, का सदा वंद्या, सदा किसकी पूजा होती है विद्वानों के द्वारा। ठीक है, तो इस किसकी पूजा होती है, अत्र वोक्तम न बुद्धते, ये आ जाएगा। कह संजाना कृष्ण है, ठीक है, तो इसके सामने भी आपने इनका मिलान करना है, जो आपको पढ़ाया गया है देख करके आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। प्रश्न था, वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है लेकिन अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। तो इन चारों में से आपने उत्तर देना है, एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है लेकिन अपनी जगह से हिलती नहीं है। चारों में से छाट करके कमेंट में लिख करके बताएंगे वो कौन सी जगह है। क्वेश्चन नंबर तीन देखो, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत, जो सही है उसके सामने आम और जो गलत है उसके सामने न लिखो। उपयुक्त कथनों के सामने आम और अनुपयुक्त कथनों के सामने न लिखिए। तो जैसे दिया गया है आपको, कात्रो युद्धे युद्धते, जो कायर है वो युद्ध में डटकर युद्ध करता है, तो लिखा गया है न। ठीक है, कस्तूरी मृगात जायते आम, मृगात सिंह पलायते न, कंसे जगान कृष्ण, कृष्ण कंस ने कृष्ण को मारा नहीं, तक्रम शुक्रस्य शक्रस्य दुर्लभम आम, जयंते कृष्णस्य पुत्र, जयंत कृष्ण का पुत्र है नहीं। तो आपने इसमें ये सब छाट करके लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है आपसे कि छोटे से, इसमें एक पहेली है, उस पहेली का उत्तर भी आपको दिया गया है, तो इस पहेली को आप आसानी से पढ़िएगा और इसमें इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर चार है, संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद पूरे कीजिए। तो आपने ये एक वर्ड दिया गया है उसको तोड़ करके लिखना है, उसको दो भागों में डिवाइड कर देना है। तो दो भागों में हम डिवाइड करेंगे, जैसे करिणाम कुलम, तो करिणाम कुलम में अलग अलग शब्द इसमें दो भागों में तोड़ना है, करिणाम प्लस कुलम कर देंगे इसको। को भूत शब्द है तो को प्लस अभूत कर देंगे। अत्रैव उक्तम है, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम, ऐसे हम इसको तोड़ देंगे। तो उस प्रकार से आपने इन शब्दों की संधि विच्छेद कर देनी है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर पांच, अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनांच लिखत, इन पदों की जो है ना लिंग विभक्ति और वचन आपने लिख देने हैं। जैसे कस्तूरी, इधर आपको उत्तर भी दिया गया है और क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है ऊपर, तो आप इसको लिख लेंगे। एक क्वेश्चन है और, वह कौन सी चीज है जो दो बार फ्री मिलती है पर तीसरी बार नहीं। तो आपने इन चारों में से आपने ऑप्शन छाट करके लिख देना है।
कमेंट में ये बताना है। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को मिलाइए। विलोम पदों में देखिए जैसे जायते, म्रियते, वीरह, कात्रह, ठीक है, इनके जो विलोम पद हैं ये उत्तर दिए गए हैं आपको, इनको मिला करके आपने लिखना है। एक और पहेली है आपके लिए, एक गुफा के 32 चोर, 32 रहते तीनों ओर, दिन में यह करते अपना काम, रात को करते हैं आराम, बताओ क्या है? तो इसका उत्तर भी आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट देखो, समानार्थक पदम चित्वा लिखत, समानार्थक पद चुनकर लिखिए, यानी आपने सिनोनिम्स बताने हैं, जैसे करिणाम, करी को हाथी कहते हैं, ऐसे इन तीनों में से कौन सा उसका समानार्थक शब्द है, जैसे अश्वानाम, गजानाम, गर्दभानाम। गर्दभानाम मैंने गधे, गजानाम मैंने हाथी, अश्वानाम मैंने घोड़े, तो करिण के सामने उसका समानार्थक शब्द आप छांट करके लिख देंगे। ऐसे ही आपने इन 6 के 6 प्रश्नों को कर देना है आसानी से। अभूत का समानार्थक क्या होता है, वंद्या का समानार्थक क्या होता है, बुद्ध्यते का समानार्थक, घटे और संजघाना का समाधान समानार्थक शब्द आपने लिख देना है। एक पहेली और है आपके लिए, काली काली उसकी वर्दी, धीमी उनकी चाल, हर घर में वो रहे घूमता, जैसे हो कोतवाल, बताओ क्या है? तो इस पहेली का उत्तर भी आपने कमेंट में दे देना है। कोष्टक अंतर्गता नाम पद नाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूर्यत, यानी कोष्टक में दिए गए पदों का प्रयोग करते हुए आपने जो है विभक्तियों को इनको पूरा करना है, ठीक है। तो इनमें जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ से इन शब्दों को भर के आप इसको पूरा कर देंगे, इस अनुच्छेद को पूरा कर देंगे। ओके, एक और पहेली है आपके लिए, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो इसका भी उत्तर आपने कमेंट में बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको कैसी लगी पूरा का पूरा पाठ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस पाठ को 2-3 बार देखें, पढ़ें, समझें, इन पहेलियों को संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन समझें, क्वेश्चन आंसर इसके अच्छे से करें। सभी ने इसको देखा, धन्यवाद। जय हिंद।